हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, सभी को मेरा जय श्री राम। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य क्या है, कब और कैसे इसकी रचना हुई, क्या क्या लाभ है इस मंत्र के। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि उनको भी इस रहस्य के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की पुराण और शास्त्र में कई मंत्रों को लेख मिलता है। यह सभी मंत्र किसी न किसी से फलदायक होते हैं, मगर सभी मंत्रों में से एक मंत्र ऐसा भी है जिसे जपने से आप अपनी उम्र तक बढ़ा सकते हैं। अपने ही क्यों, आप जिसके लिए भी इस मंत्र का जाप करेंगे उसकी आयु तक बढ़ जाएगी, वह रोग मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके धन और मान में वृद्धि होगी। अगर आप भगवान शिव पर आस्था रखते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र को जपने से अच्छा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके घर में कोई बहुत अधिक बीमार है और समय ही वह रोग उसके अंत का कारण बनने जा रहा हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान शिव को प्रसन्न कर बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र में इतनी ताकत होती है, यह व्यक्ति को मौत के मुंह से भी खींच लाता है। विद्वानों की माने तो आपको 125,000 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के हाथों की रेखाओं में अकाल मृत्यु का योग भी होता है। वैदिक शास्त्रों की माने तो इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मौत के मुंह से लोग बाहर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में कोई गंभीर बीमारी, दुर्घटना या फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो इस जाप से यह भी टल जाता है। कई शोधों के अनुसार डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च किया हुआ है और इस मंत्र के जाप से कई लोगों की जान तक बचाई हुई है जिनको बचाना भी मुश्किल हो। हम जिस मंत्र की बात कर रहे हैं उसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। यह यजुर्वेद के रुद्र अध्याय का एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। यह शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु हमें वेद पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात उन्हें जीवित होने के वृत्तांत भी मिलते हैं। भगवान गणपति गणेश जी का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया था। भगवान शंकर जी ने ही दक्ष प्रजापति का वध कर दिया था, उन्हें बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन जान दे दिया था। ऐसे ही और अनगणित वृत्तांत शास्त्रों में मिलते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो महामृत्युंजय भगवान भी कहलाते हैं, रोग, संकट, शत्रु आदि का शमन तो करते ही हैं, साथ में जीवन तक प्रदान कर देते हैं। मार्कंडेय ऋषि, जो महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोग करता है। आइए बात करते हैं कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बेहद दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान भी बदलवाया जाए। मृकंड ने गौर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्हें शीघ्र दर्शन न दिया, लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भगवान भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र तो दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ तुम्हें कुछ समय बाद दुख भी देखने को मिलेगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए कहा, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना तो उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी, तो मार्कंडेय से रहा न गया और अपनी माता से पूछ बैठे। फिर उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जन्म दिया है।
तो जब 12 वर्ष पूरे होने को आए थे, मार्कंडे ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर उसका अखंड जाप करने लगा। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप का संकल्प लिया हुआ था। यमदूतों का मार्कंडे को छूने का साहस ना हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर यमराज ने कहा कि वे स्वयं मृकंड के पुत्र को लेने के लिए जाएंगे। यमराज मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा और शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज का सिर चकरा गया। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका ही तो सेवक हूँ, आपने ही जीवों के प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे दिया हुआ है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हुआ। मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। तभी से अगर कोई भी जीव इस महामंत्र का जप करता है, उसे जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं देखना पड़ता। शत्रु रोग दोष सब बीमारी का विनाश हो जाता है। अगर आज के समय भी कोई मानव मृत्यु के निकट हो और सच्चे मन से महामृत्युंजय का जप करे, तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी तो बोला जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो प्रिय बंधुओ, कैसी लगी आपको यह रहस्यमय कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। अगर आपके भी मन में इसी ही तरह का कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। आगे भी ऐसी ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।